ओम अग्रेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। मैं जो चर्चा करता आ रहा था उसको आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से देखें या नाम राशि से देखें, थोड़ा थोड़ा तो हर राशि से आपको कुछ परसेंटेज तो आपका सच बैठेगा, लेकिन आपको अपना सटीक भविष्यफल जानना है तो भाई अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। जन्म कुंडली में कौन ग्रह कहाँ पड़े हैं उससे आपका पता लगेगा। ये तो सब जनरल है, गोचर का तो हर व्यक्ति का उस राशि का एक ही फल होगा, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएंगे, लेकिन देखिए जन्म कुंडली दिखाएंगे आप तो आप फ्री में मत पड़िए चक्कर में। फ्री वाले देखिए ज्योतिषी जो जब तक उसको उसका शुल्क प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका मन नहीं लगेगा बताने में, इसलिए किसी ऐसे ज्योतिष के पास मत जाइए जो फ्री बताता हो। फ्री में तो वो टालेगा अपना बक बक टाल के आपका, आपको खुश भी कर देगा। और तो आप देखिए अपना मैं ये जो आपका कुंभ राशि का मैं आप बताऊंगा इस समय, क्योंकि मैं जो फल बताता आ रहा हूँ मेष से लेकर मीन तक का, अब तक मैं मकर राशि तक चर्चा कर चुका हूँ, इतने वीडियो बन गए। अब मैं कुंभ राशि की चर्चा करूँगा और इसी में अगली फिर मीन राशि की, लास्ट दो राशियाँ हैं कुंभ और मीन। तो पहले मैं कुंभ राशि की बात करूँगा। देखिए कुंभ राशि के लिए पहले मैं ग्रह गोचर बताता हूँ। ग्रह गोचर में देखिए लग्न में कुंभ राशि है जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि खुद वहाँ अच्छा, और शनि बकरी हैं तो अति बली हैं और मकर राशि को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बाद में भाव में बैठी हुई है। दूसरे भाव में धन भाव में मीन राशि है, बृहस्पति से पोषित, बृहस्पति की बल पाई हुई राशि, और तीसरे भाव में राहु और बृहस्पति खुद बैठे हैं मेष राशि में, यही बकरी हैं, यंग अवस्था में 20 डिग्री के अति बली हैं। और चौथे भाव में वृषभ राशि है, शुक्र की कोई ग्रह नहीं है। पांचवें भाव में तीसरी राशि मिथुन और कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। सातवें भाव में देखिए सिंह राशि में बुध बैठे हुए हैं। आठवें भाव में कन्या राशि में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। नवे भाव में तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं। दसवें भाव में वृश्चिक राशि है, कोई ग्रह नहीं। ग्यारहवें भाव में धनु राशि है, कोई ग्रह नहीं। बारहवें भाव में मकर राशि है और कोई ग्रह नहीं, लेकिन शनि का इफेक्ट है, एक तरह से मान सकते हैं कि शनि ही वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये रहा ग्रह गोचर। चंद्रमा इस सप्ताह देखिए कहाँ चलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर डिपेंड करता है राशि पर। तो चंद्रमा 25 तारीख को मकर राशि में होंगे, कहाँ पर, बारहवें भाव में। उसके बाद में 26-27 में चंद्रमा रहेंगे लग्न में कुंभ राशि में, और 28-29 में रहेंगे धन भाव में मीन राशि के पास, और 30 को पहली को चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे भाव में जहाँ बृहस्पति के पास पराक्रम भाव में। तो चंद्रमा इस तरह से मकर राशि से लेकर के अपनी जर्नी शुरू करते हुए मेष राशि तक आएंगे। ये रहा चंद्रमा का संचरण इस सप्ताह। तो अब देखिए आप शुक्र का छठे में, देखिए शुक्र का सिक्स हाउस में चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा का देखिए 12th में विपरीत राजयोग बनता है। हम इसको बोलते हैं कि चंद्रमा की राशि उच्च की है और चंद्रमा जो है आगे कहाँ पर आ गए, 6-8-12 में ही चंद्रमा की राशि है छठे में, और चंद्रमा 12 में बैठे हुए हैं कब, 25 तारीख। तो 25 तारीख को ही
विपरीत राजयोग बनता है शुक्र के लिए, क्यों? शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं छठे भाव में, चंद्रमा बारहवें भाव में है, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा शुक्र का। और शुक्र देखिए छठे में है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा स्वयं बारहवें में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र की राशि चौथे में, तो परिवार के सदस्यों के साथ जमीन जायदाद की लड़ाई कोर्ट कचहरी जा सकती है। जो शुक्र की राशि, शुक्र छठे में है और शुक्र की राशि जो है चौथे में है भूमि भवन वाली में, तो शुक्र अगर अच्छे भाव में होते तो मैं मानता, लेकिन अच्छे भाव में नहीं है तो नेगेटिव बात आएगी, यानी आपका का भूमि भवन कोई लड़ाई है तो मुकदमा कोर्ट तक जा सकता है परिवार के साथ। और सफलता के लिए आपको चाहिए तो कोर्ट के बाहर फैसला कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। कोर्ट के अंदर लड़ेंगे जाकर फिर तो लंबा केस लड़ेगा, वो हार भी सकते हैं। तो ये रहा चंद्रमा का जो है, यानी शुक्र का छठे भाव में बैठने का और शुक्र की राशि का जो है चौथे भाव में, उसका फल कि आपके जमीन का केस भी चल सकता है। 28-29 में चंद्रमा का शनि का साथ लग्न पर, 28-29 में चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे कुंभ राशि में जहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो लग्न पर चंद्रमा का साथ पड़ेगा। और देखिए सामने सातवें भाव में बुध बैठे हुए हैं सिंह राशि में, तो बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो सेहत संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध पर और चंद्रमा भी है शनि के साथ, तो विष दोष बन रहा है, और बुध की दृष्टि पड़ रही है तो उसके कारण विष दोष बना तो स्वास्थ्य पर तो थोड़ा सा असर पड़ेगा जातक के। और लग्न पर ही बैठे हैं चंद्रमा और शनि, कहीं दूसरे किसी भाव में होते तो बच जाते थोड़ा बहुत, तो लग्न में ही चंद्रमा शनि आ गए और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, पैरों पर कुछ, घुटनों में कुछ, हड्डियों में दर्द वर्द कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा जो है सेहत संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो आप चिंता का कारण बन जाएगी आपकी सेहत। तो सुख साधनों की कमी भी होगी, क्योंकि सुख साधनों में वो वृषभ राशि है और शुक्र जो है अच्छे नहीं बैठे हुए हैं छठे भाव में। व्यवसाय में निवेश किया हुआ धन भी आपका थोड़ा सा कहीं धन फंस सकता है कहीं, इसका ध्यान रखिए, आपका चिंता का कारण बन सकता है धन कुंभ राशि वालों के लिए। सूर्य मंगल आठवें में मंगल अस्त और 1 अक्टूबर को बुध आठवें में, जब मंगल जो अस्त हो जाएंगे और सूर्य, लेकिन बुध जो है फिर 1 अक्टूबर को आ जाएंगे कहाँ पर, सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में जहाँ कन्या राशि है अष्टम भाव में, अभी बुध जो है पांचवी सिंह राशि में सप्तम भाव में, तो बुध भी जो अष्टम में आ गए, सूर्य मंगल अष्टम भाव भी अच्छा नहीं है, तो शुक्र भी छठे भाव में, बुध भी पहली तारीख को अष्टम में, उससे पहले तो अच्छे हैं सप्तम भाव में, लेकिन वहाँ भी शनि के साथ जो है विष दोष पर दृष्टि पड़ रही थी शनि की चंद्रमा की, तो वो भी एक तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो व्यापार में देखिए अथवा नौकरी में जहाँ 10th में अष्ट मंगल की राशि है स्कॉर्पियो, आपके कार्य क्षेत्र में भी धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है, तो कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता आपको बहुत व्यस्त रहेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, इस कारण देखिए घर में समय नहीं दे पाएंगे, घर में समय नहीं दे पाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आ जाएगा। जीवन साथी तथा आपके स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, जीवन साथी को थोड़ा समय दें और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपना इलाज के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, दवाई खाने के लिए, कुछ योगा वगैरह करने के लिए तो टाइम तो निकालें भाई, वरना आपका नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य का। कुंभ राशि के जातकों, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ, बुरा भी ज़्यादा नहीं है, हाँ मध्यम कह सकता हूँ। और 10th में देखिए अष्ट मंगल की राशि है 8th स्कॉर्पियो, अष्ट मंगल अष्ट हैं तो स्कॉर्पियो राशि भी ज़्यादा अच्छा नहीं देगी, तो 8वें 10वें भाव के रोजगार के नौकरी के वहाँ भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहे, तो मंगल के
उपाय कीजिए भाई, मंगल रास्ते हैं इसलिए मंगल के उपाय कीजिए। नहीं आप भी जो हैं कुंभ राशि वाले भी एक तो शुक्र का दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ भी मंगल को विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सिंदूर माथे पर लगाएं, हनुमान जी के पैरों से मोदक चढ़ाएं, बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, केला खिलाएं। तो मित्रों मंगल के उपाय भी करें और थोड़ा शुक्र के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शुक्र भी अच्छा धन के कारक हैं और शुक्र का भी आप उपाय करेंगे तो देखिए शुक्र जो है वो भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बनता है तो लाभ दे सकते हैं। क्या लाभ दे सकते हैं? विदेश से लाभ करा सकते हैं, उनका दृष्टि बारहवें भाव पड़ेगी। तो बारहवें भाव में शनि की राशि है, मकर राशि है, तो आपको शुक्र जो है विदेश भूमि से कुछ लाभ दिला सकते हैं। तो आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में डाल लीजिए आधा देश की, तो आपको थोड़ा सा लाभ हो सकता है। वैसे आपका जो है कुंभ राशि का ये सप्ताह अच्छा नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं। अब मैं देखिए आखिरी राशि की बात करूँगा, जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए पहले तो मैं ग्रह देखता हूँ, ग्रह गोचर कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा हुआ है मित्रों। तो देखिए मीन राशि के लिए लग्न में खुद मीन राशि बैठी हुई है, बृहस्पति की बल पाए हुए यानी युवा बृहस्पति जो है बकरी बृहस्पति मीन राशि को बल दे रहे हैं, और बृहस्पति खुद राहु के साथ मेष राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। पाँचवें भाव में देखिए चंद्रमा की राशि है, कर्क और शुक्र बैठे हुए हैं। छठे भाव में सिंह राशि है जहाँ बुध बैठे हुए हैं। सातवें भाव में कन्या राशि में सूर्य मंगल है, मंगल अस्त हैं यानी राजा और सेनापति एक साथ हैं। और आठवें भाव में सातवीं राशि है तुला जहाँ केतु बैठे हुए हैं। नवें भाव में मंगल की राशि स्कॉर्पियो है। दसवें भाव में धनु राशि है बृहस्पति की। ग्यारहवें भाव में शनि की राशि है जो कि मकर राशि है, और बारहवें भाव में खुद शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। ये रहा ग्रह गोचर, और इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि से स्टार्ट करेंगे जर्नी का ग्यारहवें भाव से। 25 सितंबर को ग्यारहवें भाव में मन होंगे और 26-27 में आ जाएंगे बारहवें भाव में, और 28-29 में आ जाएंगे लग्न में, और 30 को पहले को आ जाएंगे चंद्रमा धन भाव में बृहस्पति के पास। तो ये रहा चंद्रमा की संचरण पहली यानी पूरे सप्ताह। तो यह सप्ताह देखिए मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्यों? देखिए सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा मकर राशि में ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, जब सप्ताह शुरू हुआ 25 तारीख को लाभ भाव में बैठे हैं चंद्रमा, और लाभ भाव में शनि की पोषित सपोर्टेड राशि है, वो भी एक तरह से आप मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं। तो विदेश भाव में शनि है वैसे, लेकिन आप ये तो मकर राशि है यहाँ पर लाभ भाव में शनि की बल पाई हुई है, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ लाभ तो देगी देगी यानी 25 तारीख को धन लाभ होगा। फिर 26-27 में चंद्रमा आ जाएंगे खुद शनि के पास कुंभ राशि में बारहवें भाव में, तो विदेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन शनि के साथ विष बनेगा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य हानि हो सकती है। और बारहवें भाव से छठे भाव में बुध में दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की बुध की तो बड़ा परम मित्र है, वो लाभ तो करेंगे, यानी पंचम राशि सिंह राशि में बुध बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बीमारियों में लाभ दिलाएंगे शनि, और लेकिन विष दोष से फिर आपको कष्ट भी मिलेगा भाई, रोग रोग से मुक्ति भी मिलेगी, और शनि बुध की दृष्टि पड़ेगी बारहवें भाव में, तो बारहवें भाव से तो लाभ मिलेगा, फिर विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से धन मिल सकता है। तो इस सप्ताह विदेश से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर आप रोजी रोटी के लिए परेशान हैं तो ये व्यवसाय से भी आप परेशान हैं,
तो आप देखिए टेंथ में धनु राशि खुद बृहस्पति धन भाव में है, तो बृहस्पति धन भाव में बैठ करके धन तो देंगे ही देंगे, और बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर, कहाँ पर, दसवें भाव में कर्म क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो बृहस्पति की कृपा से आपको रोजगार नौकरी कहीं उसमें तरक्की मिलेगी, उसमें लाभ मिलेगा, उसमें तरक्की धन मिलेगा, प्रमोशन पैसा बढ़ सकता है, तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा। टेंथ हाउस में धनु राशि की वजह से अच्छी सफलता कार्य क्षेत्र में हासिल होगी, कार्य क्षेत्र में सहायता दोस्त आपके जो है तैयार रहेंगे, दोस्त सहायता करेंगे, आपके सीनियर्स वर्ग क्षेत्र में सहायता करेंगे, और नौकरी देखिए ये आपका जो भी काम कर रहे हैं उसमें व्यापार है तो उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, अतिरिक्त साधनों से धन आएगा। बृहस्पति की ताकत पाई हुई मीन राशि लग्न में होने के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर एक्टिव रहेगा, शरीर में धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी जातक की, और सेवेंथ में जो है देखिए सूर्य और मंगल हैं जहाँ पहली तारीख को बुध भी आ जाएंगे, तो इस कारण जो है सेवेंथ को देखिए सपोर्ट कर रहा है कौन, सेवेंथ भाव का सूर्य मंगल हैं और बुध भी आ जाएंगे, तो लग्न को देख रहे हैं तीन ग्रह बाद में, तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, और शुक्र 11th पर, शुक्र जो है 11th भाव पर, शुक्र जो है पांचवें भाव में, तो 11th भाव में दृष्टि डालेंगे तो लाभ भाव में शुक्र, तो लाभ तो मिलेगा, धन तो मिलेगा शुक्र की दृष्टि से 11th 11वें भाव पर लाभ भाव देखिए, और साथ में संतान के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, शुक्र संतान को सफलता दिलाएंगे, शुक्र शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, शुक्र जो है कहीं जॉब में भी तरक्की सफलता दिला सकते हैं, तो आप अच्छा समय बीतेगा। देखिए सप्ताह के अंत में 1 अक्टूबर को जब चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, तो फिर जबरदस्त धन योग बनेगा, क्यों, बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए भाई, धन भाव के बृहस्पति धन नहीं देंगे तो क्या देंगे, और चंद्रमा भी आ गए 31 में, धन योग बन गया तो फिर तो धन और धन मिलेगा। तो 1 अक्टूबर से देखिए बुध जो आ जाएंगे कहाँ पर, 7th भाव में, तो 7th भाव से फिर लग्न को भी देखेंगे, बृहस्पति समझ लो वहाँ हो गए, तो बुध का बृहस्पति का संग बन गया, उधर धन भाव में बृहस्पति का चंद्रमा का संग बन गया, तो केंद्र में आकर देखिए मीन राशि के लिए जब बुध आ गए तो भद्र महापुरुष राजयोग बना दिया, और बुध आदित्य राजयोग बना दिया, तो मीन राशि के लिए 1 अक्टूबर से जब बुध आ जाएंगे, और जब तक रहेंगे आगे वो उसकी आगे चर्चा मैं फिर करूँगा, लेकिन अभी तो 1 अक्टूबर को बुध आ गए, बुध आ गए सप्तम भाव है, तो भद्र महापुरुष राजयोग, बुद्ध आदित्य राजयोग, ये राजयोग बहुत सफलता देंगे, धन देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया देंगे। तो बुद्ध आदित्य राजयोग से मीन राशि वालों का देखिए जिंदगी चमक जाएगी, और आपको और ज़्यादा अच्छा चाहिए करना है तो देखिए बृहस्पति धन भाव में है, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि दसवें भाव में भी है, तो मैं तो कहूँगा बृहस्पति के उपाय कीजिए, यानी भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमः नमः, स्तुति करिए भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण की, ओम नारायण नारायण नमो नमो कुछ जाप कीजिए, माता लक्ष्मी भी खुश रहेंगी तो धन आएगा, और देखिए पीला चंदन लगाइए, पीला वस्त्र, पीले वस्त्र का इस्तेमाल, पीला रुमाल रख लीजिए पास में अपने, तो बृहस्पति के उपाय करिए, गाय को पीला हल्दी लगा के आटा लोहा आटे के बना के खिलाइएगा, गाय आशीर्वाद देगी। तो मीन राशि वालों को तो बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति इस समय बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं धन भाव में, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति देखिए धन भाव में ही नहीं बल्कि दसवें भाव में बृहस्पति की राशि भी है,
तो मीन राशि वालों को तो ये अच्छा, ये सप्ताह अच्छा खुशहाल रखेगा। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे निवेदन ये करूँगा कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, जो नहीं लिखना चाहते वो कम से कम महागणेश आय नमा तो लिख सकते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। नमस्कार।